एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। गुलदाउदी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इस पे इस तरह से कलियां बनने लग जाती है। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा ही पोट है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इस पे ना कलियां बनने लग गई है। इन पे तो अभी बनी नहीं है, तो इस वाले पे कलियां बनने लग गई है। और ये वाला है बड़ा पोट है, इस पे भी देखिए कलियां बनने लग गई है। तो हमें इस समय इस पर एक काम जरूर करना है कि हमें खाद अपने इस प्लांट को दे देनी है, ताकि ये हमारा प्लांट जो है इस पे जब कलियां बनती है तो खाद देने से ये होता है कि जो इसकी कलियां है, थोड़ी कलियां बन रही है, इस पे बड़ी बड़ी कलियां बनेगी और जो फूलों का साइज है वो भी काफी बड़ा होगा। तो हमें इस समय इसको खाद देनी बहुत जरूरी है। जिन जिन प्लांट पे कलियां बन रही है तो उन्हीं को मैं अपने ये खाद दे दूंगी। जिन जिन प्लांट पे कलियां बन चुकी है उन्हीं प्लांट को मैं खाद दूंगी। कौन सी खाद दूंगी वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट खाद, आप चाहे कोई भी खाद दे दीजिए, उसके आगे ये खाद इतनी अच्छी है, आप चाहे कोई भी खाद देंगे वो खाद आपको काम नहीं करेगी जितना ये वाली खाद करेगी। तो मैं अपने प्लांट्स को ये खाद देती हूँ। देखिए, ये है ऑर्गेनिक और ये है काउडन मैन्योर है, ये बिल्कुल सड़ी हुई, आप देख सकते हैं कितनी ये ब्लैक है। तो ये वाली खाद मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है मुझे इस खाद से। मैं हर प्लांट में यही खाद देती हूँ, तो आप भी इस खाद का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल ये सड़ी हुई खाद है, तो इस खाद को हम देंगे। कितना देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये प्लांट है मेरा, एक बड़े पोट में लगा हुआ है, मतलब 10 इंच के पोट में लगा हुआ है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और इस प्लांट के हिसाब से हमें खाद देनी है एक मुट्ठी। ये देखिए, पहले तो आप अपने पोट्स की गुड़ाई कर लीजिए, फिर तभी देनी है खाद। मेरी प्लांट में कोई जगह नहीं है इसलिए मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से ही डाल दूंगी, एक मुट्ठी मैंने खाद ले ली है और इसको इसी तरह से मैं छिड़क दूंगी पूरे पोट में। आप पहले गुड़ाई करिए, उसके बाद आप अपने सभी प्लांट्स में दे दीजिए। इससे ये होगा, ये सबसे अच्छी खाद है, आपको 100% रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। जो आप कोई भी खाद देंगे उससे आपको कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट्स में कोई दिक्कत भी नहीं आती है और फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं, और हम केमिकल वाली खाद यूज करते हैं तो उन पे रिजल्ट अच्छा भी नहीं मिलता है। और फिर बाजार की चीजें और घर की बनी हुई चीजें, कहते हैं होड़ नहीं होती उन चीजों की। तो ये जो हमारा काउडन है सबसे बेस्ट है और इसी खाद का मैं यूज करती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा, आप ये देखिए, ये एक छोटा सा पोट है, इसके अंदर भी मैं इतनी खाद दे दूंगी। ये वाला जो आप देख रहे हैं पोट, छोटा ही पोट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए, इतना मैंने इसको दे दिया है। और इस पोट के अंदर तो 4-5 प्लांट लगे हैं, 4 लगे हुए हैं, ये तो छोटा सा ही है, तो 4 प्लांट लगे हैं। और ये देख सकते हैं काफी इनमें ग्रोथ भी हो रही है। और ये दो आप देख रहे हैं, इनको तो मैंने अभी शिफ्ट किया है, मतलब ट्रांसफर किया है, तो इनको भी मैं दे दूंगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम खाद दे देंगे। और मेरी जो पोट्स की मिट्टी है वो गीली हुई है, तो इसलिए मैं गुड़ाई नहीं कर रही इनकी। आप इनको गुड़ाई करके दे सकते हैं और मिट्टी ड्राई हो तब दे सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अभी दे दी है। और ये देखिए, एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भी बर्ड्स बने हुए हैं, और ये मैंने एक बोतल में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी इस तरह से मैं डाल दूंगी। जितने भी मेरे पास ये छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए हैं, तो इनको मैं सब में खाद दे दूंगी। तो आप इस खाद का इस्तेमाल करिए अपने गार्डन में, आपको कभी भी कोई प्लांट्स में दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक खाद सबसे बेस्ट होती है, और केमिकल वाली खाद तो बस हमारे प्लांट्स को खराब कर देती है, नुकसान भी कर देती है। आप इन सब प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को आप खाद दे दीजिए और ऑर्गेनिक वाली खाद का ही इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर बार बार यही बोलती हूँ, ऑर्गेनिक खाद सबसे बेस्ट होती है, आप अपने गार्डन में इसी खाद का इस्तेमाल करिए और हमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।